हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। मेरा नाम है अंकुर शर्मा और जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 100 बेस्ट क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे उसमें क्या है कि दो पार्ट आ चुके हैं, बाकी के बचे हुए पार्ट भी मुझे लेके आने और थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये शुरू किया है। तो देखेंगे यहाँ पर कि हम किस तरीके से समझ पा रहे हैं। आई होप कि जो हमारा नया इनिशिएटिव है आपको अच्छा लगेगा और हम यहाँ पे अच्छे से आपके लिए लेक्चर्स लेके आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका, कि आपको बताना है कि 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार, इसको ऐड करके क्या आएगा। देखिए ये बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब 6363 बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर मैं आपको साइड में एक चीज़ सिखाऊं यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि 0.63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर 63 के ऊपर बार है। अगर दो डिजिट के ऊपर बार है तो मैं लिखूंगा 63/99, यानी कि जितने डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे बार है, ये मान लीजिए दो डिजिट के ऊपर बार है, तो आप यहाँ पे 2 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे तीन डिजिट के ऊपर बार होता तो यहाँ पे नीचे 3 लाइन लिख दो, 9 लिख देते आप। लेकिन फिलहाल क्या है, 63 के ऊपर दो बार है, यानी 63/99। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि 63/99 प्लस 37/99। ये तो इजी हो गया, इजी क्वेश्चन। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, नीचे 99 आएगा, ऊपर बन जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से 7 और 3 10, 0 हासिल, 1 गया, 6 3 9 और 1 10, तो यानी कि 100/99 बना। अब आप खुद देख खुद सोच सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर अच्छा इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, जैसे रिकरिंग डेसिमल में करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखोगे 99 1 99, ऊपर आएगा 1 और नीचे 99, ठीक है। अब 1/99 लिखा हुआ है, जैसा मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे ये 1 अलग है और प्लस अलग कर दो, यानी ये पोर्शन इसका मान लीजिए आपका अलग आ गया। अब 1/99 को, जैसे आपका ये था 63/99, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, तो आप लिखोगे 0 पॉइंट, आप लिखोगे 0 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0.01 के ऊपर बार, 0.01 के ऊपर बार, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये 1 अलग हो गया, 0.01 के ऊपर बार आ गया, मतलब 1.01 के ऊपर बार। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका कंपेरिजन का। सो 0.9, 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर, सिर्फ 9 के ऊपर बार, ठीक है, 0.09 के ऊपर बार। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, यू हैव टू फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आप एक छोटी सी बात समझ में, ऐसे ही समझ लो आप, इसमें मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, आप ऐसे ही समझो एक बात। रिकरिंग डेसिमल के बारे में मैंने अभी बताया कि वो चीज़ रिपीट करती है, जिसके ऊपर बार होता है वो तो रिपीट करेगा ना, अच्छा ठीक है। ये लिखा है 0.9, तो जब 0.9 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 0.9 लिखा है, क्या लिखा है, ये 0.9 या 0.9 एक ही बात है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको लिखूँ मैं, तो लिखूँगा 0.999 डॉट डॉट डॉट, अच्छा 0.9 बड़ा है या 0.999 बड़ा है, तो आप कहेंगे 0.999 बड़ा है। तो अभी तक का आंसर क्या आ गया आपका, अभी तक का आंसर आपका ये वाला आ चुका है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे क्या आंसर आएगा, इसके आगे अगर इन दो में कंपैरिजन करूँ मैं, तो आप देखेंगे ये 0.09 लिखा है, तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये बनेगा 0.09999, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये छोटा है, ये तो 0.1 से भी छोटा हो गया, यानी 0.9 से भी छोटा हो गया। और ऐसे ये जब रिपीट करेगा तो ये दो बार रिपीट करेगा, यानी 0.09 09 09, क्योंकि 09 दोनों के ऊपर ये बार है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला नंबर आपका बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे। अगर कहीं पे लिखा है, ध्यान से देखेंगे, मैं कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपका। तो सवाल है आपके सामने 4/9 4/49, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये 9 9 है यहाँ पे, कॉमा 0.45 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखिए आराम से पहले देखते हैं, ये 4/9 हो गया, चलिए लिख लेता हूँ मैं साइड में, ज़रूरत नहीं लिखने की। अच्छा 9/49 को तो आराम से 3/7 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा कि आप जब रेशियो वाले नंबर होंगे तो वहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। अच्छा ये क्या लिखा है,
0.4945, तो 0.45 को अगर आप रेशियो में ब्रेक करना चाह रहे हो, आई मीन अपॉन में करना चाह रहे हो, तो ये बनेगा 45/100, क्योंकि दो जीरो हट लग जाएंगे, ये पॉइंट हट के, ये पॉइंट हटेगा और दो जीरो आ जाएंगे, कॉमा। अच्छा, 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.64। आपको सबसे छोटा बताना है, तो आपको पता है 0.45 तो छोटा है 0.64 से, तो ये वाला तो हट गया 8 का स्क्वायर। अब ये तीन बचे हैं आपके। अच्छा, अगर आप ऐसे ही ओरली देखना चाहो इन दोनों में, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ कैसे, मैं आपको कंपेयर करना सिखाता हूँ। जैसे लिखा है 4/9, ठीक है, लिखा है 3/7, इनमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 7 × 4 = 28, छोटा सा लिख दो 28 कोने में, आप क्या लिखा, छोटा सा 28 लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको कर लो 9 × 3 = 27। तो अब आपको देखना है जो बड़ा है वो रेशियो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा है वो रेशियो सबसे छोटा होगा। अच्छा, 28 बड़ा है कि 27 बड़ा है, तो आप कहेंगे 28 बड़ा है, आपको तो सबसे छोटा बताना था, तो आप ये वाला रेशियो पिक कर लोगे कि आपका 3/7 अभी तक का आंसर है। अभी तक का आंसर मतलब इन तीनों में बताना है ना कौन छोटा है, ये तो सबसे बड़ा निकल गया, तो इन तीनों में आ गया 0.3/7 आपका सबसे बड़ा आ गया, 3/7। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार और बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 × 27, ठीक है, इधर करो 7 × 28, जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ा होगा रेशियो और जो छोटा आएगा वो रेशियो छोटा होगा। अच्छा, 3/7 में और 45/100 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, अगर इसकी मैं ऐसे ही बात करूँ तो ये लिखा है 0.45 लिखा है, इसको अगर मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की सोचूँ तो ये बनेगा 0.0 लग गया, 7 × 28 ये तो बनेगा 7 × 28, 2 × 30 में कैरी, तो 7 × 2 = 20, तो 7 × 2 = 14, यानी कि 0.42 आ रहा है और ये 0.45 है, तो आप कह सकते हैं कि ये 3/7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ समझाने की क्या कोशिश की है आपको, यहाँ मैंने आपको कोशिश की है कि आप कैसे रेशियो को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगले एक दो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन टेक। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं आपको, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर किसके बताने हैं, 80 के बताने हैं, 80 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, ऑप्शन है आपके सामने 9, 10, 11, 12, 13, इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर 80 के बताने हैं, जिसके भी फैक्टर निकाल ले होंगे सबसे पहले आप उसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, तो 80 को जब आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो जैसे आपने 2 से काटा ये बना 40, इधर 2 से ये फिर बना 20, सबसे छोटे नंबर से काटेंगे प्राइम नंबर से, है ना, 4 से नहीं काट सकते हम इसे क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से काटेंगे तो 5 बना और फिर 5 से काटेंगे, तो आपको समझ में आया कि 2 4 बार 2 आया ना, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 5 की पावर 1। अच्छा, मैं इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको, जब भी किसी नंबर को आपके बताने कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो आप उस नंबर को ब्रेक कर लोगे a की पावर p में इंटू बी की पावर q में इंटू सी की पावर r में, मतलब जितने भी नंबर होंगे आप करते चले जाओगे, जैसे यहाँ तो 2 ही नंबर बैठे हैं आपके कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। अच्छा, ये जो ए बी सी है ना, यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं, सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ही है, छोटा हो बड़ा हो प्राइम नंबर होंगे यहाँ पे, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन मैं अभी इसके बाद लूँगा कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा 2 की पावर 4। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, a की पावर p और b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में जब आप लिख लोगे तो आंसर आएगा नंबर ऑफ फैक्टर बराबर p+1 × q+1 × r+1, मतलब आप इसे करते चले जाओगे मल्टीप्लाई ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तो 2 की पावर 4 है, यानी कि 4+1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1+1 क्यों, क्योंकि ये पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी कि 5 × 2 = 10 फैक्टर आ गए इसके, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया होगा। जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इस तरीके से आप ब्रेक कर लोगे, और मैंने पूरा समझा दिया, आप एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लो नहीं समझ में आया तो। अच्छा, हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक प्राइम फैक्टर है, 1, 2, 4, 6, आपको बताना है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, या फिर इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। मुझे पता है कि 4 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, अब आपको बताना है कि 2 है प्राइम नंबर या 1 है या फिर दोनों है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर मैं बात करूं तो वो आएगा 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। मैं आपको समझाता हूं क्यों, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है उसके लिए मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि ऐसा नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या लिखा मैंने, जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड,
जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा दो फैक्टर कौन कौन से, इसको मैं अगर बात करूँ प्राइम नंबर में, तो एक तो वन होगा फैक्टर उसका, और एक वो सेल्फ होगा यानी कि खुद, वो अपने आप में होगा एक फैक्टर और एक वन होगा। ठीक है, तो अगर मैं वन की बात करूँ तो वन के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन, वन के तो कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। टू प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन हो गया प्राइम नंबर और एक टू हो गया, यानी एक तो खुद हो गया और एक वन हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आई कि प्राइम नंबर है या नहीं है। अच्छा, हमने चार पांच क्वेश्चंस डिस्कस किए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप लोग नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर लें, और आप चाहते हैं कि इसी का सीरीज़ आगे बढ़ती रहे तो आप कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि दैट यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़ एंड वी विल कम्प्लीट 100 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ रेलवे NTPC। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।